में 10% आरक्षण देने की बात सरकार कर रही है केंद्र सरकार की नौकरियों में। किनको? सामान्य वर्ग को, आर्थिक आधार। क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है, ये होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। इसका क्या असर पड़ेगा आने वाले चुनावों पर? असर क्या, सबको बराबर का अधिकार मिल गया लगभग। इससे फायदा होगा गरीब लोगों का? क्यों नहीं फायदा होगा। खाली जाति का सर्टिफिकेट लेके जो ले रहे हैं फायदा, और एक्चुअल में जो गरीब है उसको फायदा होगा ना। आपका नाम? महेंद्र जी, धन्यवाद। इकोनॉमिक बेसिस पर जो इकोनॉमिकली वीकर हैं सामान्य वर्ग के, जनरल कैटेगरी के, उनको केंद्र सरकार की नौकरियों में 10% आरक्षण दिया जाएगा, इसको लेकर बिल लेने वाली। अच्छा स्टेप है, क्योंकि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन भी है जो कि मतलब कि जनरल कास्ट के लोग हैं, तो ये अच्छा स्टेप है और ये हेल्पफुल रहेगा उन लोगों के लिए जो बहुत स्ट्रगल करते हैं, बिकॉज वो कम्पीट नहीं कर सकते दूसरे कैटेगरी जिन्हें रिजर्वेशन दिया जा रहा है। दैट्स वाई मेरे ख्याल से ये अच्छा है। चुनावों पे क्या असर पड़ेगा इसका? चुनावों पे क्या असर पड़ेगा? मध्य प्रदेश में, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी नोटा की वजह से आ रही थी, जो सबको पता आरक्षण के विरोध में दबाया गया। आरक्षण के लिए अब मुझे पूरा नॉलेज नहीं है इस बारे में, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर ऐसा होता है तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अच्छा रहेगा, काफ़ी बार आ चुका है। हाँ, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है मे बी, क्योंकि वो जो कास्ट बेसिस पे जो चलता आ रहा है रिजर्वेशन, वो ख़त्म होना चाहिए और इकोनॉमिक बेसिस पे लागू होना चाहिए। अच्छा, इकोनॉमिक बेसिस पे अगर ये आरक्षण दिया जा रहा है, क्योंकि समाज के ऐसे वर्ग हैं जो पैसे की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते हैं, अच्छा रहेगा ये, मैं ये कहना चाहता हूँ। सामान्य वर्ग में भी ऐसे लोग हैं जो आर्थिक कमजोरियों की वजह से रह जाते हैं। हाँ जी, कुछ गलत नहीं इसमें, देना चाहिए आरक्षण ऐसे रीजंस पे जी। आज केंद्र सरकार का एक फैसला आया है कैबिनेट कमेटी का, कि जो सामान्य वर्ग के लोग होते हैं जनरल कैटेगरी के, उनको वो 10% आरक्षण देंगे आर्थिक आधार पर। क्या कहना चाहेंगे? हाँ, इस पर हम बहुत सहमत हैं, क्योंकि बहुत गरीब तबके के लोग हैं जो सामान्य कैटेगरी से आते हैं और उनके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना, तो उनको मिलना चाहिए, ठीक है, ताकि जो शेड्यूल कास्ट के उनमें भी तो अमीर हैं। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आरक्षण आर्थिक आधार पर हो, ना कि जात के आधार पर हो। मैं ये जो कदम सरकार ने उठाया है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। अपना नाम बताइए। वीरेंद्र सिंह जी, इस जो फैसला है, इसको अगर कानून बन जाता है, हाँ, तो लोकसभा चुनाव पे क्या असर पड़ेगा? लोकसभा चुनाव पे असर तो पड़ेगा, क्योंकि जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो तो सपोर्ट करेंगे, लेकिन जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वो लोग थोड़ा सा उनको भड़काया जाएगा। मैं जान रहा हूँ कि जो अपोजिशन पार्टी होगी इसको मुद्दा बना करके उन्हें पोलराइज करेगी। हाँ। आपका नाम? केशव कुमार। आप क्या कहेंगे? यही, मैं इनके साथ सहमत हूँ हर एक बातों में। सहमत है आप? हाँ। अच्छा फैसला है। हाँ, बहुत अच्छा फैसला है। आज केंद्र सरकार ने, कैबिनेट का एक फैसला आया है कि जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, हाँ जी, अभ्यर्थी हैं जी, उनको 10% आरक्षण मिलेगा आर्थिक आधार पर। तो ये तो सही है। सही है, आप सहमत हैं? बिल्कुल सही है। इससे फायदा होगा लोगों को? होनी चाहिए, जो जिनकी आर्थिक स्थिति मतलब डाउन है उनको तो, उनके लिए तो फायदा होने की वजह से नौकरी से रह जाते थे। बिल्कुल रह जाते हैं। और इसका चुनाव पे क्या असर पड़ेगा, वोटों पे क्या असर पड़ेगा? वोटों पे तो असर पड़ेगी, क्योंकि बढ़ जाएंगे। अभी लोकसभा का इलेक्शन है तो उसी समय इन्होंने ये ऐलान किया है, तो मैंने अभी न्यूज सुना नहीं है, मुझे पता नहीं है। अभी न्यूज ये है कि कल वो बिल लेके आ रहे हैं, इसी को लेकर संवैधानिक संशोधन होगा, उसके बाद ये। तो ये सब देखिए पॉलिटिकल मुद्दा है, हम लोग जानते नहीं उतना। अरे आपका फायदा होगा पॉलिटिकल, आप जनरल के स्टूडेंट है, गरीब आदमी का फायदा होगा। पॉलिटिकल क्या होता है, सारा तो पब्लिक से होता है। हाँ, तो वो तो पब्लिक से पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स से पब्लिक थोड़ी है। तो वो तो पहले भी दे सकते हैं, अब अभी इस समय लाने का क्या फायदा था? अब ले आए तो नुकसान तो नहीं है? कोई नुकसान नहीं है अभी। क्या नाम है बच्चा? नमन। नमन, आज गवर्नमेंट का एक फैसला आया है आरक्षण को लेकर, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को वो 10% आरक्षण देने वाले हैं आर्थिक आधार पर, क्या कहोगे? किस चीज में आरक्षण? नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में, जो अभी तक केवल शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को मिलता था। जनरल कास्ट के लोगों की ये परेशानी रहती थी, उन्हें शिकायत रहती थी कि हमारे यहाँ भी गरीब लोग हैं लेकिन उनकी ध्यान नहीं रखा। सही बात है, हम भी जनरल कैटेगरी से हैं, लेकिन केवल SC है ST है इन लोगों को ही आरक्षण दिया जाता है,
तो जनरल को भी सबको इक्वल मानना चाहिए सरकार। अभी जो फैसला आ रहा है 10% का, उससे कितना असर पड़ने की उम्मीद लग रही है? असर तो पड़ेगा ही, क्योंकि लोग काफ़ी जो जनरल कैटेगरी के हैं कुछ नंबरों से रह जाते हैं, लेकिन बाकी जो हैं उनको इस चीज़ का काफ़ी फ़ायदा मिलता है। बाकी फायदा मिलेगा जरूर, फायदा तो वोट में इसका कितना कन्वर्जन हो जाएगा? अगर लोकसभा चुनाव में जनरल को जब फायदा होगा तो वोट बढ़ेगा? वोट तो बढ़ेगा ही, अब इसके बारे में ज़्यादा मुझे जितना फायदा होगा वो तो वोट देंगे ना। हाँ वोट तो देंगे ही सरकार को, और क्या जो फायदा करेगा। आज गवर्नमेंट का एक फैसला आया है कि जो जनरल कास्ट के लोग होते हैं उनको आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण दिया जाएगा सरकारी नौकरियों में। आरक्षण तो बंद ही कर देना चाहिए, आरक्षण बंद ही करना चाहिए सब। जब तक बंद नहीं हो रहा है तब तक गरीब जो सवर्ण है उनको या सामान्य वर्ग के लोगों को आरक्षण देना अच्छी बात है या नहीं? जो सबको दे रहे हैं तो उसको भी देना सही है, वो तो सही है, बिल्कुल। या तो बंद कर दो या तो सबको दो आरक्षण, सबको दो, ये बिल्कुल सही बात है। आप साथ हैं गवर्नमेंट के पास? हाँ जी। आप भाई साहब नाम बताइए। जितेंद्र कुमार। जितेंद्र जी आपका नाम? भूपेंद्र शुक्ला। भूपेंद्र जी आज गवर्नमेंट ने एक फैसला लिया है कि जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनको आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाएगा 10% सरकारी नौकरियों में, क्या कहेंगे इस पर? ये गंभीर बात है, सोचना पड़ेगा, अभी कुछ कह नहीं सकते। गरीब आदमी को ऊंची जात का भी है आरक्षण दिया जाएगा इसमें? हाँ तो सही तो है, सही तो है ये, ठीक है बट ठीक है। हाँ अब बहुत सारी बातें तो नहीं समझ में आती है, अब समझ में आ गई। हाँ तो ठीक है, ये तो सही है, सही है, 100% सही है, होना चाहिए। तुम क्या कहते हो बच्चा? गरीब हर तबके में है और सबका होना चाहिए। लोगों को दिया गया 10% आर्थिक स्थिति को देखते हुए मेरे हिसाब से बिल्कुल करेक्ट दिया गया है, बिल्कुल सही दिया है। आपको लगता है चुनाव में इसका फायदा गवर्नमेंट को हो जाएगा? आई थिंक बिल्कुल होगा। अगर आप देखें राजस्थान में और उसका नाम क्या है ये मध्य प्रदेश में और जो छत्तीसगढ़ में हार हुई उसका मेन मकसद मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो हमारे स्वर्ण हैं उनका ही रहा है, उन्होंने नोटा दबाया है, उन्होंने आरक्षण दिया है नहीं गवर्नमेंट को वोट, तो आई थिंक मुझे लगता है कि हाँ आई थिंक होना चाहिए सर, देखते हैं। आप क्या कहेंगे भाई? आगे होना चाहिए, मैं इनसे सहमत हूँ, इसमें फायदा मिलेगा जरूर। केंद्र सरकार सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण देने जा रही है। हाँ सही है, फिर सही है, नौकरी लगेगी ना गरीब की। हाँ फिर नोट उसमें वोट में भी फायदा होगा, जो मिलेगा ना वोट। हाँ मिलेगा वोट। अच्छा सामान्य वर्ग को भी 10% आरक्षण दिया जाएगा, ये बहुत अच्छा फैसला है, बहुत अच्छा फैसला, बढ़िया। इससे फायदा होगा सामान्य, आर्थिक आधार पे होना चाहिए, मतलब आर्थिक आधार पे होना चाहिए, सालाना आय हो, बड़ा मकान नहीं होना चाहिए, तो गरीबों को मिलेगा। ऐसा है, ये मोदी सरकार का फैसला बहुत अच्छा है ये, और मतलब निचले तबके के लिए बहुत। हाँ बिल्कुल ये तो है ही, बिल्कुल मिलेगा, कारण ये है कि भाई जो जनता के हित में फैसला होता है उसमें तो फायदा मिलता ही है रूलिंग पार्टी को। नाम बताइए। मेरा MS ठाकुर। रंजीत जी आज सरकार ने एक फैसला लिया है कि सामान्य वर्ग के जो गरीब हैं उनको नौकरियों में 10% आरक्षण दिया। बिल्कुल सही फैसला है सरकार का, और ये सरकार जो देरी से फैसला लिया है ये फैसला उनको बहुत पहले ले लेनी चाहिए थी। देर आए दुरुस्त आए, इनसे जरूर सामान्य वर्ग को बेनिफिट मिलेगा, जो 10% का आरक्षण मिला है इसे जरूर सामान्य वर्ग को होगा, लेकिन जो जिस आधार पर यह रिजर्वेशन उन्होंने दिया है यही इसी आधार पर पूरे देश में ये रिजर्वेशन लागू होना चाहिए। आर्थिक आधार पर ही रिजर्वेशन मिलना चाहिए। चुनाव में इनको 100% है कि सामान्य वर्ग इससे खुश होंगे और उन्हें फायदा मिलेगा। मैं बिल्कुल इसका समर्थन करता हूँ। समर्थन करते हैं जी, इससे गरीबों को फायदा मिलेगा। बिल्कुल, क्योंकि हर वर्ग में गरीब होते हैं, किसी एक वर्ग का मतलब इस पर आधिपत्य नहीं है कि गरीबी उसी के पास आएगी, सभी वर्ग में गरीब होते हैं, इसलिए जरूरी है कि सबको ध्यान में रखा जाए। तो वोट में इसका कितना फायदा मोदी सरकार को होने वाला है? अब पॉलिटिक्स में फायदा हो ना हो, लेकिन ये देश के लिए जरूर फायदेमंद, इसके लिए फायदेमंद, ये बड़ी बात कही आपने। आरक्षण जो सरकार देने जा रही है सामान्य वर्ग के गरीबों को, वो अच्छा है या बुरा है? सब अच्छा है। अच्छा है? हाँ अच्छा है। बढ़िया नौकरी लगेगा गरीब आदमी का? हाँ सबका लगे, सब करें आराम से, खाएं मिल जाएगा मोदी जी को लोकसभा चुनाव? हाँ हाँ मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, पक्का। आप क्या कहेंगे? मिलना चाहिए जी, मिलना चाहिए।
अच्छा काम हो रहा है? काम तो बहुत बढ़िया हो रहा है। सामान्य वर्ग में क्या आदमी गरीब अमीर नहीं है, सब सामान्य वर्ग में क्या सब अमीर है? इसीलिए उन्होंने किया है। बिल्कुल सही किया है, होना ही चाहिए और ज्यादा होना चाहिए। मिलेगा इस पे? बिल्कुल। क्यों नहीं? आज मोदी जी की सरकार ने एक आदेश पारित किया है कि सामान्य वर्ग के यानी कि जनरल कास्ट के गरीबों को नौकरी में 10% आरक्षण दिया जाएगा। अच्छा जी, धन्यवाद देते हैं उनको। फिर धन्यवाद देते हैं। हाँ, गरीब को नौकरी मिलनी चाहिए वाकई में।